हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम साबूदाने के कटलेट्स बनाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, प्लस ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए साबूदाने के कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने के कटलेट्स बनाने के लिए मैंने ये मीडियम साइज़ के 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये मैंने आधा कप साबूदाने को 4-5 घंटे पानी में भिगो करके ले लिया है और ये आधा कप भुनी हुई मूंगफली को दरदरा पीस करके ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक के स्वाद अनुसार लेंगे, 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ ले लिया है और ये 2 हरी मिर्च इस तरह बारीक काट करके ले ली हैं। तो सबसे पहले हम ये मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें ये उबले हुए आलू डालेंगे और अब हम ये पोटैटो मैशर लेंगे और इसकी हेल्प से आलू को मैश करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें ये साबूदाना डालेंगे और अब हम इसमें ये ग्राइंड करी हुई मूंगफली डालेंगे। मूंगफली से हमारे कटलेट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, प्लस ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। जो लोग तीखा कम खाते हैं वो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे और अब हम लास्ट में ये स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं साबूदाने की कटलेट्स व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। और अगर आप इन्हें बिना व्रत के बनाकर खाना चाहते हैं तो आप इसमें अपने मनपसंद के कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इससे कटलेट्स बनाएंगे। तो अब हम ये मिक्सचर लेंगे और हाथों को ऑयल से इस तरह ग्रीस करेंगे और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और अब हम इसे हथेली से इस तरह रोल करते हुए कटलेट्स की शेप देंगे और इसे हल्का सा इस तरह प्रेस कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं राउंड शेप के कटलेट्स बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी और शेप के भी कटलेट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह ही कटलेट बना लिया है। तो अब हम इसी तरह सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पैन में तेल ले लिया है, अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये कटलेट्स डालेंगे। एक एक करके कटलेट डालेंगे और बस पैन में उतने ही कटलेट डालेंगे जितने की आसानी से तले जाएँ। ध्यान रखेंगे कि कटलेट्स को बिल्कुल गर्म तेल में ही डालेंगे। तो बस अब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और कटलेट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम कटलेट्स को तुरंत डालते ही फ्लिप नहीं करेंगे, पहले इन्हें थोड़ा सा सिकने देंगे, उसके बाद इन्हें फ्लिप करेंगे। तो यहाँ कटलेट्स एक साइड से सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें इस तरह पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कटलेट्स अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और कटलेट्स को इस तरह निकालेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा भी कढ़ाई में वापस चला जाए। तो यहाँ मैंने कटलेट्स को एक प्लेट में अलग निकाल लिया है। तो अब हम इसी तेल में ये बचे हुए कटलेट्स को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। कटलेट्स को तेल में बहुत ही सावधानी से डालेंगे ताकि तेल की चीटें हमारे ऊपर ना आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कटलेट्स अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे।
तो यहाँ मैंने सारे कटलेट्स को प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने कटलेट्स को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी साबूदाने के कटलेट्स बनकर तैयार हैं। आप इन्हें हरे धनी की चटनी या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।